मेरा अगला पॉइंट है, हमने एक पॉइंट और समझाया, वो है ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, कि भाई कैसे इनको समझें कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिकुलरिटी क्या है, इस पे क्या बहस हो सकती है। तो अभी तो हम पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझते हैं और मॉलिकुलरिटी को समझते हैं, और उनमें डिफरेंस भी जानने की कोशिश करेंगे। सही है, तो हमारे लिए चलेगा एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और एक तरफ रहेगा मेरे लिए मॉलिकुलरिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एम से। हमसे कुछ डिफरेंस पूछे जा रहे हैं, वो हमें बताने हैं साइड बाय साइड। तो हो ये रहा है कि पहले हमें ये समझना है कि ये डिफाइन कहाँ होता है। तो ये डिफाइन होता है डिफाइन फॉर ऑल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। सही है, जबकि ये डिफाइन होता है डिफाइन ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। मुझे आपको 1 लाख रुपए देने, डायरेक्ट दे दिए, एलिमेंट्री है। मैंने रमेश को दिए, रमेश ने महेश को दिए, महेश ने सुनील को दिए, फिर सुनील ने तुम्हें दिए, कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आ गया? यानी जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है वो कॉम्प्लेक्स, और जो सिंगल स्टेप में होती है वो एलिमेंट्री। तो डिफाइन ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस, रिएक्शन की डेफिनेशन होगी रिएक्शंस कंप्लीट इन सिंगल स्टेट, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाए, या स्टेज बोल दो, स्टेप बोल दो, स्टेप एक ही रिएक्शन में हो गया। आगे ये चीज क्लियर है कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड डिफरेंस जो हमारे पास होगा, ये तो हमने कर लिया कि भाई डिफाइन फॉर केमिकल रिएक्शन सभी, यानी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एलिमेंट्री भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ रहा है, इट इज ए प्रैक्टिकल क्वांटिटी, इट इज ए प्रैक्टिकल क्वांटिटी, मतलब प्रैक्टिकल करो और इसकी वैल्यू पता लगाओ। जबकि यहां क्या होगा, इट इज ए थ्योरिटिकल क्वांटिटी, बिना प्रैक्टिकल करे भी बता सकते हो, इट इज ए थ्योरिटिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी नेक्स्ट, प्रैक्टिकल क्वांटिटी कैसे होगी भाई? कोई भी रिएक्शन है जिसमें ट्वाइस ए प्लस थ्री बी फोर सी प्लस डी हो रहा है, कोई भी रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन दी हुई है। समझ में आ रहा है? तो जब मैं इसके लिए रेट निकालूंगा प्रैक्टिकल, तो कैसे निकल रहा है वो बात की बात है। ये के आ गया कांस्टेंट, के ये रेट है, रेट कांस्टेंट, ए बी पे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए इसके ऊपर वैल्यू एन वन और एन टू आ रही है, ये एन वन एन टू टोटली प्रैक्टिकल वैल्यू है, डिपेंडेंस ऑफ ए। कई बार ऐसा होता है यहाँ कॉफिशियंट कुछ और होता है, यहाँ कॉफिशियंट कुछ और होता है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत सोच लेना n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3 है, हो सकता है n1 3 हो जाए, वो 2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों का समेशन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n1 प्लस n2 होता है, n1 प्लस n2 होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशंस क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द समेशन ऑफ, लिखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज द समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशंस इन द रेट लो एक्सप्रेशन।
नहीं, वो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में उसमें कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका समेशन हमारे लिए ये होगा। अब इधर देखते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस हो कैसे रही है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई, ट्वाइस ए रिएक्शन किया, बी बन गया और सी प्लस कुछ भी बन रहा है, सी बन रहा है, सही है। और ये लिखा हुआ होना जरूरी है कि एलिमेंट्री है, तो थियोरिटिकल वैल्यू है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मॉलिकुलरिटी, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिकुलरिटी है, यानी टू वन टू मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल थ्री। तब इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, इट शो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन ए एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये इसकी डेफिनेशंस हो चुकी है। अब मुझे बताइए कि कभी ऐसा हो सकता है कि आधा मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, हाफ मॉलिक्यूल ने, नहीं, थ्री बाई फोर नहीं, मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, वन या फिर टू या फिर थ्री। तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल केस ये हो सकता है कि ए मॉलिक्यूल अपने आप छोटे छोटे बी और सी में टूट गया, रिएक्शन हो गई, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए कन्वर्ट बी प्लस सी, तो मॉलिकुलरिटी की वैल्यू क्या हो गई, वन, पक्का, क्या ये पॉसिबल है केस, हाँ ये पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, जैसे PCl5 डिकम्पोज PCl3 प्लस Cl2। तो जितने भी डिकम्पोज हो रहे हैं वो आराम से आप बता सकते हो इस तरह से, क्या ऐसा हो सकता है दूसरा कि ए मॉलिक्यूल आया और बी मॉलिक्यूल आया और ये आपस में जॉइंट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गए ए बी, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम आपने रख दिया ए बी, यानी सी मॉलिक्यूल बन चुका है जिसमें ए का एक एटम है बी का एक एटम है, तो कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी और ये किसमें चेंज हो गया, सी। तो यहां मॉलिकुलरिटी क्या होगी, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, हटा दूं मैं ये, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है मॉलिकुलरिटी की, इज दैट क्लियर। तो इसको जल्दी से लिखिए आप, पक्का। थर्ड केस अगर मैं बनाता हूं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दो ए के आ गए और साइमल्टेनियसली कहीं से बी भी आ चुका है, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है और आपके पास ए टू बी करके कोई कंपाउंड बन गया, तो बताइए मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी इस जगह, टू प्लस वन थ्री, क्या ये पॉसिबल है, हाँ, तो वन टू थ्री पॉसिबल है। मुझे कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है ए का एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, तीनों आ गए और उसी समय बी आ जाए और ए थ्री बी करके मॉलिक्यूल बन जाए, तो मैंने आज तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, नॉट पॉसिबल, इसके लिए पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसका रीजन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी मॉलिकुलरिटी बढ़ जाएगी साइमल्टेनियसली उनकी कॉलिजन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जिस दिन ऐसा कोई एक सिंगल एग्जांपल भी हो गया उस दिन मैं बोल दूंगा मॉलिकुलरिटी फोर भी पॉसिबल है, लेकिन अभी तक तो नहीं है, तो मैं अभी तक की बात करता हूं। तो ये हमारे लिए ए ए
हो सकता है पहले दो ए बी के साथ रिएक्शन करके ए टू बी बनाए और फिर उसके बाद ए टू बी में ए अटैक करके ए थ्री बी बन जाए। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो गई? दो, और दो स्टेप में होते ये कॉम्प्लेक्स हो गई और मॉलिकुलरिटी इस जगह डिफाइन नहीं होगी। तो मोर देन थ्री मॉलिकुलरिटी रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स, दे नॉट पॉसिबल एट सिंगल स्टेप्स। तो ये हमारे लिए पॉइंट होगा, की पॉइंट जो आपको वापस लिखना है यहाँ पर। की पॉइंट हमारे लिए क्या होगा? मोर देन थ्री मॉलिकुलरिटी आर नॉट पॉसिबल मोर देन थ्री मॉलिकुलरिटी आर नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रॉबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली कॉलिजन बिटवीन फोर मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, टेंस टू जीरो, बस वेरी 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 लेस। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी तो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड, एंड इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड। तो यहां पर मॉलिकुलरिटी डिफाइन ही नहीं होगी, आप दिमाग फालतू यूज कर रहे हो। आ रहा है कुछ को समझ में? तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉलिकुलरिटी क्या होगी? 1, 2, 3, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकती, कि फ्रैक्शन हो नहीं सकती, जीरो हो नहीं सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कुल मिला के ये मॉलिकुलरिटी का कंसेप्ट है। तो हमारे लिए सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? की पॉइंट फर्स्ट और सेकेंड। इट मीन्स पॉसिबल वैल्यूज वैल्यूज ऑफ मॉलिकुलरिटी आर ओनली 1, 2, 3 बस। अगर मॉलिकुलरिटी कुछ इसके अलावा आ रही है तो वो पॉसिबल नहीं होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये तो हमारे पास हो गए कुछ पॉइंट्स। अब दूसरी तरफ हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। हमने मॉलिकुलरिटी बहुत अच्छे से पढ़ ली, ये भाई ये तो 1, 2, 3 है, टोटली थ्योरिटिकल वैल्यू है, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। और हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल को थ्योरिटिकल से रिलेट करना, तो क्या ये हमारे काम आएगी? नहीं, बिल्कुल, बस डेफिनेशन पढ़ के छोड़ना है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे काम आएगी, हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से संबंधित है तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना भी पड़ेगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं, जैसा मैंने डेफिनेशन कहा है कि रेट लो एक्सप्रेशंस में जो कंसंट्रेशन की पावर है उनका समेशन ही आपके लिए क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटली प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो हमारे लिए क्या होगा? हमने पहले ही पढ़ा है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, लिख लीजिए इसी के अंदर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज टोटली प्रैक्टिकल वैल्यू। सो दैट
वैल्यू ऑफ इट, द वैल्यू ऑफ इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ये टोटली प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूं, एन टू प्लस थ्राइस एच टू फॉर्म्स ट्राइस एन एच थ्री, सही है। अगर एग्जामिनर ने आर इक्वल टू के एन टू की पावर और एच टू की पावर कुछ भी लगा दे, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, हम नहीं लगा सकते, वो देगा हमारे को। समझ में आ रहा है? या वो कुछ ऐसी बातें बताएगा जिससे हम निकाल सकें। उसने कह दिया वन वन, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने ही देख देंगे, टू। उसने कह दिया वन टू, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने रख देंगे, थ्री। उसने कह दिया टू वन, हम अपना दिमाग में लगाएंगे तो क्या लिख देंगे, थ्री। उसने कह दिया जीरो जीरो, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, जीरो। उसने कह दिया जीरो वन बाई टू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन बाई टू। उसने कह दिया माइनस वन बाई टू, तो नेगेटिव भी। हाँ, हम क्योंकि छोटे वैज्ञानिक सब हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सर नेगेटिव कैसे, नेगेटिव का मतलब ये है कि आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और रेट कम हो रही है, रेट कम हो जाएगी, इसी को नेगेटिव बोल रहे हैं। किसी चीज को बढ़ाना है और दूसरी चीज कम हो रही है, इन्वर्स जाएगी तभी पावर नेगेटिव आएगी। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वो रिएक्शंस में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड आ चुकी है और बढ़ाने पर वो किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाए, तो पर्टिकुलर उसका एक चीज क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये तो प्रैक्टिकल है, टोटली प्रैक्टिकल है। यानी एक ही रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो प्रैक्टिकल के कंडीशन के साथ भी चेंज हो सकती है। यानी एक रिएक्शन की प्रैक्टिकल के साथ कंडीशन चेंज हो सकती है। तो मैं ये एक और पॉइंट लिखूंगा जो कि मॉलिकुलरिटी से डिफरेंट है। मॉलिकुलरिटी इज द फिक्स्ड वैल्यू फॉर ए गिवन रिएक्शन, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए वेरिएबल वैल्यू फॉर ए गिवन रिएक्शन एट डिफरेंट प्रैक्टिकल कंडीशंस। तो आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स प्रैक्टिकल कंडीशंस, प्रैक्टिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशंस, लाइक टेम्परेचर कॉमा प्रेशर कॉमा अमाउंट एक्सेस्ट्रा। ठीक है, वो और बात है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पूरी रिएक्शन में थ्रू आउट द रिएक्शंस हम इसे कांस्टेंट मान के चलते हैं, ये हमारे सिलेबस में एजम्पशन है। ठीक है, हम एजम्पशन मानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन रिएक्शन की थ्रू आउट सेम रह रही है। ठीक है, लेकिन हायर क्लास में ये वेरिएबल कराते हैं, जैसे एमएससी और पीएचडी करते वक्त। तो पहले तो आपने ये समझ लिया, मॉलिकुलरिटी इज ए फिक्स्ड वैल्यू, मॉलिकुलरिटी इज ए फिक्स्ड वैल्यू फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शंस। ये एक और डिफरेंस हमारे पास हो चुका है, मॉलिकुलरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये तो हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट हुआ कि हाँ ये इस तरह से आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, तो इन सबको लिख लें आप। देखिए, किसी भी रेट को देख के, हम इक्वेशन को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि वो एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर आप ये तो बता सकते हो ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, एलिमेंट्री भी हो सकती है। तो ये देखते हैं कैसे। पहले तो एलिमेंट्री देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है, तो यहां पर r इक्वल टू के a की पावर a और b की पावर b दे दिया जाए, ठीक है, और दूसरी चीज एंड a प्लस b की वैल्यू
लेस देन इक्वल टू 3 हो या कुल मिला के आप 1, 2, 3 में से कोई एक वैल्यू ऑब्लिक, देन वी कैन से दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन. देन वी कैन से अबव रिएक्शन इज एलिमेंट्री, इज एलिमेंट्री. अगर इन दोनों में से एक भी बात अलग हो गई तो फिर आप एलिमेंट्री नहीं बोल पाओगे. तो आपको अगर ऐसे कोई रिएक्शन दे दी जाए और उनके रेट इक्वेशन भी दे दी जाए, रेट लो एक्सप्रेशन भी, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कॉम्प्लेक्स. एक एग्जांपल बनाते हैं जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कॉम्प्लेक्स, रेट दे रखिए ट्वाइस ए प्लस बी कन्वर्ट सी प्लस डी, और रेट एक्सपेंशन दे रखा है आपको आर इक्वल टू के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1. क्या ये 100% कॉम्प्लेक्स होगी? हाँ, क्योंकि मॉलिकुलरिटी देख रहे हो, सॉरी रेट एक्सप्रेशन देख रहे हो, तो वो अलग आ रहा है, वन वो नहीं आ रहा जो यहां है और यहां है, तो 100% ये कॉम्प्लेक्स है. सेकेंड, थ्राइस ए प्लस बी सी प्लस डी आर इक्वल टू कुछ दे रखा है के ए की पावर कुछ भी दे रखा है 3 और बी की पावर 1 भी दे रखा है मुझे, तो 100% ये भी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मॉलिकुलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती. सी, ट्वाइस ए प्लस बी सी प्लस डी आर इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2 दे रखा है, तो यहां पर ए की पावर 2 आना चाहिए था, ये भी 100% कॉम्प्लेक्स होगी. डी, ट्वाइस ए प्लस बी सी प्लस डी आर इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1, बिल्कुल उसी फैक्टर में दे रखा है जो वहां है, और दोनों का समेशन 3 या 3 से कम है, यानी 1, 2, 3 है, तो ये एलिमेंट्री होने के चांसेस हैं और हमसे कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है. तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए बी सी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी पूरी नॉलेज निकल के आती है बाहर. आ रही है बात समझ में? तो आप ये कर सकते हो, लिखिए इसको.